हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मरियम क्रिएशन इंडिया। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। ये हमने सीधा रखा है, वैसे रखना चाहिए उल्टा, लेकिन हमने आप लोगों को दिखाने के लिए ये पूरी लेंथ हमारी 46 इंच है और उसकी विड्थ जो है 42 इंच है। ये हमने लंबाई और चौड़ाई डबल फोल्ड करके हमने दिखा दी है। अभी इसको जो है ऐसे तिरछा करके मोड़ेंगे इस तरह से और बराबर करके रखेंगे और हम अपनी लेंथ को नाप लेंगे कि कितनी हमारी लेंथ है। उधर से भी नाप लेंगे और इधर से भी नाप लेंगे। ये हमारी लेंथ 38 होनी चाहिए, 38 लेंथ और 2 इंच हमारा नेफा रहेगा। नेफा बोलिए या बेल्ट बोलिए, हम इसको अलग से नहीं लगाएंगे, ये इसी में ही जुड़ी रहेगी। ये 9 इंच यानी 36 हमारी वेस्ट है, तो उसका फोर्थ करेंगे तो 9 इंच है। ये हमने विड्थ इसकी वेस्ट लगाई है, सॉरी, तो वेस्ट हमारी 9 इंच पे हमने मार्किंग की। ऊपर से हम नापेंगे, 13 इंच इधर भी आ रहा है, 13 इंच इधर भी आ रहा है, तो एक बराबर होनी चाहिए। और इस तरह हमने निशान लगा दिया 13 पे और ये दोनों मार्क हमने एक मिला दिया। 9 इंच है ये नीचे से, अगर आपकी वेस्ट और है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। और ये हमारा क्रॉचेट एरिया, पहले हम यहाँ से लेंथ नाप लेंगे, 38 यहाँ भी आनी चाहिए। क्रॉचेट एरिया हमारा जो है 14 इंच है, तो 14 इंच में हमने 2 इंच बेल्ट का और 12 इंच क्रॉचेट एरिया का हमने मार्किंग करनी है। ये हमने लेंथ से दोनों साइड में लगा दी निशान बराबर से। यहाँ यहाँ पे हम बेल्ट का निशान लगा देंगे 2 इंच पे और इधर सामने से हम जिधर ओपन साइड है उधर से क्रॉचेट एरिया का निशान लगाएंगे। बंद साइड से लेंथ लेंगे, ये इधर से लेंथ लेंगे इस तरह से, और फोल्डिंग का भी हिस्सा ले लेंगे आधा इंच 1 इंच जो हमें बारीक सा नीचे मोड़ना होता है। ये हमारा क्रॉचेट एरिया हमने वहाँ ऊपर से लिया है, तो ये 14 इंच और नीचे से लेंगे तो 12 इंच। ये हम यहाँ से निशान लगा देंगे और 2 इंच हमें गहराई लेके ऐसे राउंड में मार्किंग कर लेंगे। ये हमें यहाँ पे आसन या मियाने लगाना, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, हमें लगाना है। हम लगा नहीं लगाना है तो भी ये इसी तरह से ही कटेगा, मियानी आप मत लगाइए, डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ देंगे। और ये है, हम इसको राउंड शेप देंगे, नीचे हल्का सा हमारा कम पड़ रहा है 3 से 4 इंच लगभग, तो जो हमारी वो कटिंग निकलेगी साइड से, ये देखिए हम ये कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से जो ये साइड का कपड़ा निकला इसी को उठा करके हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में ड्राफ्टिंग कर देंगे इसकी। आप पेपर पे पहले इसको कटिंग कर लेंगे और इस तरह रख लेंगे। ये हमारी नीचे जो राउंड शेप देना है ये हम बराबर से रख लेंगे, पहले नाप लेंगे नीचे वाले पे रख के, नीचे के 2 फोल्ड जो हैं, और फिर ऊपर इसके ऊपर ये रख लेंगे और बराबर करके मार्किंग कर लीजिए आप। और जो हमारी उधर लेंथ है उसी के बराबर इधर भी नाप लेंगे। अभी ऐसे हल्का सा हमने कट कर दिया, अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे लेंथ की। ये पूरी आ रही है हमारी, बस हल्का सा शेप निकालना है। ये देखिए इस तरह हम हल्का सा कट करके निकाल देंगे। ये जो कटिंग निकली है इसी को ही हम ऊपर भी लगा देंगे दूसरे पल्ले पे भी। यहाँ से भी हमने कट करके निकाल दिया, बेल्ट इसी में ज्वाइंट रहेगी। इस तरह हम पहले इस कपड़े को अलग कर लेंगे, फिर हम अपने क्रॉचेट एरिया की भी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से ये हल्का सा ऊपर से लेके ये हल्का सा गहरा करते हुए 2 इंच की जो गहराई है ये कट करके निकाल लेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमें ऊपर से निकला है बेल्ट से, वही कपड़ा यहाँ पे हम डाल रहे हैं नीचे वाले हिस्से पे, और ऊपर वाले हिस्से की तो हमने कटिंग कर ली है, ये नीचे वाले पे हम लगा रहे हैं। इस तरह रख के बराबर कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकालेंगे। देखिए हमने पहले जो कटिंग की थी उसी के बराबर रख ली, अब एक बराबर हो गया हमारा। ये हम मियानी या आसन काटेंगे, जो कटिंग से कपड़ा निकला था उसी में से हम मियानी 8 इंच की लंबाई और 4 इंच की चौड़ाई की कटेगी। ये हम इस तरह मार्किंग करके इसको कट करके निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करके हमें हमारे चैनल्स को ग्रो कीजिए। और हम ये देखिए मियानी हमने कटिंग कर ली है 2 पीस, और वीडियो को पूरा देखिए, इसकी स्टिचिंग हम पूरी बराबर से बताएंगे, आप अच्छे से अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी सीख जाएंगे। इस तरह हम मियानी यहाँ लगाएंगे इस कपड़े पर
वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम यहाँ से मियानी लगाएंगे, ये हमारी मियानी यहाँ अटैच होगी। ये हम एक सिलाई पहले कर लेंगे मियानी पर, ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर इसी को पलट करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे बैठ जाए। अगर आपको वो सिलाई ना पसंद हो तो छोड़ भी सकते हैं, इसी को आप डबल कर दीजिए और वो सिलाई ऊपर से करने से वो बिल्कुल बैठ जाती है सिलाई। हम इसके ऊपर सिलाई करते हैं। ये देखिए हमने सिलाई मियानी पे लगा ली, अब इसी तरह से ही हम इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसी प्लाजो के एक ही पैर के जो हिस्से पे दूसरे साइड में भी आसन लगाएंगे। ऐसे बहुत आसानी होती है, ये एक तरफ हमने आसन लगाया फिर दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे और दूसरा जो दूसरे पैर का प्लाजो का पीस है फिर हम उसी के ऊपर अटैच कर देंगे आसानी से। ये देखिए पहले हमने एक साइड लगाया था, दूसरे साइड भी हमने लगा दिया है। अब दूसरे पैर का जो प्लाजो का पीस है वो हम इसी के ऊपर जस्ट अप्लाई करेंगे। ये देखिए जैसे दोनों साइड लगा है अब इसी के ऊपर सेम इसी तरह से जमा देंगे। ये देखिए अब इसमें ये उल्टा दोनों सीधा सीधा इस तरह मिला के अटैच कर देंगे। ये एक सिलाई यहाँ से सीधी लगाएंगे और फिर उसके ऊपर जैसे हमने दूसरी तरफ मियानी पर डबल सिलाई चलाई थी वैसे ही इस साइड में भी लगा देंगे। ये हमारा मियानी आसन जुड़ जाएगा और हमारा आधा काम प्लाजो का हो गया। मेन काम यही होता है, ये अगर आप जो है गलत ऊंचा नीचा लगा देंगे तो हमेशा दिक्कत होती है। ये हमारा दोनों साइड का इस तरह एक एक साइड हमने लगाया, इसी तरह जस्ट दूसरी साइड भी लगा देंगे आप। सिंपली कुछ है नहीं, इस पर आसानी से आप कर सकते हैं। और ये देखिए हमने दूसरी साइड अटैच कर दिया, ये हमारा आसन लग गया। अब हम इसको इसके जो बेल्ट लगाएंगे यानी इलास्टिक लगाएंगे, 2 इंच पे हमने मार्किंग की थी। इस तरह हम एक हमने जो इलास्टिक लगाना बताया है एक हमारी वीडियो है, लेकिन ये हम दूसरी तरह से बता रहे हैं। पहले आप नेपा बना लीजिए, थोड़ा सा इसमें सिलाई खोल के रखिए और ये आप 1 इंच 2 इंच जो भी इसमें इलास्टिक डालना चाहते हैं, हमारी ये 1 इंच की है। हम इसकी लेंथ लेंगे, हम 30 इंच की इसकी लेंथ लेंगे इलास्टिक की। हम थोड़ी सी ढीली पहनते हैं इसलिए हमने 30 ली, आप 28 भी डाल सकती हैं अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। इस तरह हमने 30 इंच की लेके ये सेफ्टी पिन की मदद से हम इसमें डाल लेंगे और फिर जो है डालने के बाद हम इसके जो दोनों साइड्स हैं बराबर कर लेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे इस पर पक्की। दोनों सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक पखिया चला लेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्की हो जाए। ये इस तरह सिलाई लगा देंगे, उसको अंदर करके एक बराबर चुन उसकी बराबर करके उसके ऊपर बीचों बीच में हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बराबर हो गया, अब हम यहाँ सिल लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है, कंप्लीट है हमारा बेल्ट का हिस्सा। अब हमें साइडें लगानी है और जो नीचे जोड़ना है कपड़ा वो भी हमें जोड़ना है। इस तरह हम ये जो तिरछे तिरछे कपड़े हमने काटे थे इसको हम बराबर से जिस तरह से सीधा कपड़ा ये है उसको भी सीधे से सीधा मिला के उल्टी तरफ से दोनों सिलाई लगा देंगे, इस साइड में भी और इस साइड में। ऐसे ही दोनों पैर का हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, आप अपने घर पे सिल सकती हैं प्लाजो, स्कर्ट वाली प्लाजो, घेरदार प्लाजो। अगर आपका अर्ज ज्यादा होगा तो बिल्कुल जोड़ भी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा अर्ज कम था। अगर लेंथ भी ज्यादा, अगर 2.5 मीटर की है तो भी नीचे भी जोड़ नहीं आएगा, ऊपर भी जोड़ नहीं आएगा और अर्ज के अकॉर्डिंग ही जोड़ आता है। और आपको घेर कम करना होता तो थोड़ा घेर कम हो जाता, जोड़ना आता, लेकिन बिल्कुल ये जोड़ पता नहीं चलता है। आप सिलिए और पहनिए, बिल्कुल ये साइड में चला जाता है। सिलाई लगा के इस तरह हम उलट करके ये सिलाई साइडें लगा देंगे और साइडें लगाने के बाद हमें नीचे की, देखिए हमारी साइडें लग गई है और नीचे की फोल्डिंग 1/2 इंच करनी है। इस तरह हम सीधा करके देख लेंगे और जो हमें सिलाई लगानी है इस तरह हम हल्का सा 1/2 इंच में दोनों फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह हमें सिलाई चारों तरफ पूरे पैचे में, दोनों पैचे में लगा लेनी है। ये हमारा प्लाजो तैयार है। अगर आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।